नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में कांग्रेस में काफ़ी घमासान चल रहा है और इस घमासान को सुलझाने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे राज्य इंचार्ज हरीश रावत व कैप्टन अरविंदर सिंह की बैठक खत्म हो चुकी है और इसके बाद कैप्टन ने एक ट्वीट जारी किया है अपना। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। वहीं हरीश रावत ने भी बैठक के बाद ये कहा कि कैप्टन पहले दिए हाईकमान के फैसले से सहमत होने के बयान पर ही कायम है। हालांकि ये पंजाब में चल रहे घमासान का अंत है या कोई क्लाइमेक्स अभी बाकी है, इसको लेकर के कांग्रेस के पंजाब में प्रदेश प्रधान की औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान की औपचारिक घोषणा से पहले ही लगातार मंत्रियों और विधायकों से मिल रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने आज सुबह से ही कर दी, आज यानी कि शनिवार सुबह से ही उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी और मौजूदा प्रधान सुनील जाखड़ से पंचकुला में उन्होंने मुलाकात की। जाखड़ से मुलाकात के बाद जब सिद्धू उनके साथ बाहर निकले तो एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया हुआ था। जाखड़ ने सिद्धू को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि ये बैठक बड़ों का मार्गदर्शन लेने के लिए की गई है। माना जा रहा है कि सिद्धू की पंजाब प्रधान के तौर पर ताजपोशी तय है। कैप्टन अरविंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का हर फैसला उन्हें मंजूर होगा और उन्होंने कुछ मुद्दे रावत के आगे उठाए हैं और उन्होंने भरोसा दिया है कि वो इस मुद्दे को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष उठाएंगे। रावत ये भी बोले कि कैप्टन हाईकमान के फैसले से सहमत हरीश रावत पहले ही ये कह चुके हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से जो भी फैसला आएगा वो उन्हें मंजूर होगा और कैप्टन का अब भी वही रुख है। उन्होंने कहा कि वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी मुलाकात की है। अब वे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू से मिलने पहुंचे हैं। कई विधायकों के साथ उन्होंने मुलाकात की और रावत की कैप्टन से मुलाकात के बाद इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है ऐसा भी सोचा जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात करने के बाद बलबीर सिंह सिद्धू के घर जाके बैठक की, जिसमें पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान लाल सिंह, विधायक कुलबीर जीरा, शेर सिंह गुबाया, अरविंदर सिंह राजा वडिंग भी वहां मौजूद रहे। इसके बाद वो कैप्टन के करीबी माने जाते मंत्री गुरप्रीत कांगड़ से भी मिले। इस मामले को लेकर के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये कहा कि सिद्धू से उनकी 2 महीने से बैठकें हो रही हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। सिद्धू उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स में रहने वाले बाकी सभी राजनेताओं से मिलने नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस प्रधान बनने के सवाल पे उन्होंने कहा कि इस बारे में वो भी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत से बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाईकमान के फैसले से सहमत होने के बाद अब चर्चा ये हो रही है कि क्या कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू की प्रधानगी के हाईकमान के फैसले के आगे झुक गए हैं और ये भी चर्चा है कि इसके बदले उन्हें मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से बदलाव करने की, चेंज करने की छूट दी गई है। उसमें सिद्धू या फिर हाईकमान की तरफ से कोई सीधा दखल नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पंजाब से जुड़ी हुई खबर, पंजाब की कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर। फिलहाल इतना ही और फिर मैं किसी और अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।